भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बस्तर दौरे से रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि कल प्रथम चरण का नामांकन हुआ। बस्तर लोकसभा के सभी कार्यकर्ता और संभाग के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अब जनता के बीच जाने का सिलसिला भी जारी है। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने पर भी उन्होंने बयान दिया। कल प्रथम चरण का नामांकन जो है फर्स्ट फेज का बस्तर लोकसभा का, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी का कल नामांकन हुआ। हमारे बस्तर लोकसभा के सभी उसके अंतर्गत आने वाली जिलों और विधानसभा से बड़ी संख्या में और जनता जनार्दन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था। पूरे प्रदेश का यही वातावरण है, जो उनके धीर गंभीर और जो दायित्वान और वर्षों से कांग्रेस में रहे हुए कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में एक घुटन सा महसूस हो रहा है। और ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है, और इस कारण से और विशेषकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विकास के नए आयाम को चुना है, विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में। नहीं, कैसा प्रतिशोध, 5 साल में प्रतिशोध की राजनीति कैसे की जाती है तो कांग्रेस की सरकार ने दिखाया है 5 वर्ष में। हमने तो 3 महीना में सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को संचालित करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। विधानसभा के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी लगातार 3 महीनों से जनता के बीच जाकर जनता के हितों का जिस तरीके से कार्य योजना उसके क्रियान्वयन में लगी है।